Hello everyone, I am Saveri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss your most important questions for your UGC NET from your Indian Economics subject. We have already covered macroeconomics, microeconomics, international economics, statistics and econometrics और आज मैं आपके लिए Indian Economics आपका cover कर रही हूँ ताकि पेपर से पहले आपके सारे के सारे जो dust topics हैं आपके exam के syllabus के वो cover हो जाए. वी हैव ट्राइड टू डू एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. वही मेरी कोशिश आज आपकी यहाँ पे है ताकि हम आपकी रिविजन यहीं से करवा पाए. सो ये वाली जो इंडियन इकोनॉमिक्स की जो वीडियो होगी वो दो पार्ट्स में होगी, जिसमें आज मैं आपके करंट अफेयर्स वाला पार्ट लूंगी, लेकिन सिलेबस का एक और पार्ट है जिसमें आपको स्टैटिक इंडियन इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, कमिटीज और हर प्लान में क्या हुआ है पुराने 5 ईयर प्लान में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी. बिफोर गेटिंग इन द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट. स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टैटिस्टिक इंडिया यूजेस फॉर हेडलाइन जीडीपी कैलकुलेशन? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड डी, नन ऑफ द अबव. इन दोनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं. जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है दैट इज मोर कंज्यूमर सेंट्रिक. जो भी आपका मार्केट में आपको जो भी प्राइजेस मिलते हैं वो कंज्यूमर खरीदता है, और यही ये जीडीपी है कि जो जितने भी मार्केट प्राइस में आपने जो पैसे दिए वहां से कैलकुलेशन करता है. जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वो आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर देता है. यू सब्ट्रैक्ट योर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड यू एड द सब्सिडी. वट यू आर ट्राइंग टू से कि आप एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर की साइड से, तो दिस इज फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको कितने प्राइजेस मिले, उसकी क्या फैक्टर कॉस्ट थी, उसके प्राइजेस निकालने के लिए यू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. बट जो हमारी एसएनए है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी जिसकी रिकमेंडेशन अब हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है कि हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि इट इज कंज्यूमर सेंट्रिक एंड इंडियन इकोनॉमी इज मोर कंज्यूमर सेंट्रिक. जब आपकी जो इकोनॉमी ही कंज्यूमर सेंट्रिक है तो आपको चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स भी आप ऐसे ही यूज करें जो कि कंज्यूमर सेंट्रिक हो. दैट इज वाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग नाउ on GDP at market price. So coming back to your question, I hope you have been answering in the chat box. So the correct answer is B, GDP at market price. Next question, question number 2. Arrange the following growth rates in ascending order. Q3 2020, Q3 in 2013, growth rate in 1991, एंड ग्रोथ रेट इन 2016. दो यहाँ पे आपके एग्रीगेट ईयर्स हैं और दो यहाँ पे ये क्वार्टर्स की ग्रोथ रेट है. इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो सारे ग्रोथ रेट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. 2020 में आपका ग्रोथ रेट था 4.7, 4.5 था आपकी 2013 में, 1991 में इट वॉज 1.05 एंड 2016 में था 8.25. ये सारे याद करने इज अ डिफिकल्ट टास्क. करंट ग्रोथ रेट आपको याद होना चाहिए कि 4.7% चल रहा है Q3 में, लेकिन अगर आपको ये याद करना इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप याद करने के बजाय आप थोड़ा गेस वर्क कर सकते हैं इसमें. तो जो आपकी एक हेडलाइन आई थी कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट हैज बीन लोवेस्ट इन द लास्ट 7 ईयर्स, 7 ईयर्स का आपको वहां पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 साल पहले जो ग्रोथ रेट है वो कम रही होगी. तो इससे आप 2013 और 2020 का आप सॉल्व कर सकते हैं. ग्रोथ रेट इन 1991 वाज 1.05%. आपको याद होगा ये कि जो 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने की थी. जब कोई हम इतना ड्रास्टिक मेजर ले रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी इंडियन इकोनॉमी में जिसके लिए हमें ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना हुआ. तो आपका ग्रोथ रेट वाज 1.05% विच वाज द लोएस्ट इन कंपैरिजन टू ऑल दीज 4. ग्रोथ रेट इन 2016 वाज 8.25%. अब आप इसको गेस वर्क से भी अरेंज कर सकते हैं इन सारों को.
इंडिया की ग्रोथ रेट जो अभी चल रही है इतनी कम क्यों चल रही है, उसके लिए दो रीजंस है। फर्स्ट इज योर साइक्लिकल प्रॉब्लम एंड सेकेंड इज योर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन इधर से आ जाए। साइक्लिकल जो प्रॉब्लम्स है आपकी, वो एक शॉर्ट टर्म की पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है, बहुत ही छोटे पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, एंड यू कैन करेक्ट इट विद योर मॉनिटरी पॉलिसीज और योर फिजिकल पॉलिसीज, जो कि शॉर्ट रन में ही आप लेते हो। लेकिन जो आपकी साइक्लिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से डिफरेंट होती हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, जिनका इफेक्ट रहता है और वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो इंडिया में है स्लो ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और साइक्लिकल प्रॉब्लम आपकी है कॉन्ट्रैक्शन इन इन्वेस्टमेंट एंड स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट्स। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको साइक्लिकल प्रॉब्लम को कुछ करेक्ट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यू कैन जस्ट रिड्यूस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टू एनहांस द एक्सपोर्ट रेट यू कैन चेंज मैनिपुलेट योर एक्सचेंज रेट, ताकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो दिस इज समथिंग आप शॉर्ट रन में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्लो ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन को करेक्ट करने के लिए यू नीड अ स्ट्रक्चरल चेंज, जिसके अंदर आप बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी या बहुत बड़ा आपको इकोनॉमिक पैकेज देना होगा इन इंडस्ट्रीज को। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको पता चल गया सबसे स्मॉलेस्ट ग्रोथ रेट इज इन 1991, उससे ज्यादा वॉज इन 2013 Q3। नेक्स्ट इज योर 4.7% ऑफ योर 2020 Q3, एंड योर लास्ट इज 4। So your correct answer is, let me know in the chat box, the correct answer is B. So coming to your next question, question number 3. Saffron mission is a subpart of which of the following schemes? Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana, Deepadis Rashtriya Krishi Vikas Yojana. So, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंदर ऐसे बोला है कि गवर्नमेंट करे या एनहांस करनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, टू इन्हांस द ग्रोथ रेट अप टू 4%। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जो कश्मीर सैफरन है दैट गॉट अ GI टैग, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आत्मनिर्भर भारत, जिसमें यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं और यू वांट टू बी सेल्फ रिलायंट, सो आप सेल्फ रिलायंस भी इससे कोशिश कर रहे हैं कि जो कश्मीरी सैफरन है, अब उसको अगर एक GI टैग मिल गया है तो एक इंडिविजुअल एक ट्रेडमार्क हो गया है आपके, GI टैग मिल गया आपको, तो जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कश्मीरी सैफरन के प्रोड्यूसर्स बाकी लोगों से, और वो एक उसको वैल्यू देगी, एक एडिड वैल्यू देगी। दिस इज अ इनिशिएटिव टेकन बाय योर हिमाचल गवर्नमेंट एंड योर हिमालयन बायोसोर्स टेक, इनके कंबाइंड एफर्ट्स से आपको मिला है। जो राष्ट्रीय किसान योजना है, उस विकास योजना है, उसी के अंदर एक मिशन है सैफरन मिशन। तो ये कश्मीरी सैफरन वॉज इन न्यूज, तो दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज योर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इट इज अ सब पार्ट ऑफ योर दीनदयाल अंत्योदय योजना, टू एम्पावर द विमेन एग्रीकल्चरलिस्ट, टू एम्पावर द विमेन फार्मर्स, तो ताकि उनका जो स्टेट है वो इम्प्रूव करे, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विमेन फार्मर्स की इंक्रीज करे, इम्प्रूव करे, इसके लिए आपकी पॉलिसी है। नेक्स्ट इज योर परंपरागत कृषि विकास योजना, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इलेबोरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हीलिंग मैनेजमेंट। आपकी जो फर्टिलाइजर यूज कर करके जो आपकी सॉइल है जो कि इतनी खराब हो चुकी है, उसको इम्प्रूव कर पाए हम उसकी क्वालिटी को, इसलिए एक ये परंपरागत कृषि विकास योजना है वेयर वी एक्चुअली सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्लस्टर अप्रोच से ली गई है कि आप विलेजेस के क्लस्टर बनाते हैं और फिर उसमें ये कार्ड्स देते हैं, परंपरागत कृषि का ऑर्गेनिक की यहाँ पे फार्मिंग की जाती है, उसके लिए आप कार्ड्स देते हैं क्लस्टर फॉर्म में। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नाउ यू नो कि जो सैफरन मिशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सो योर करेक्ट आंसर इज डी। आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिनमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मैच करना है, इसमें बड़े सारे आपके कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे आपको। ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, लिस्ट 1 इज दैट
बी पार्ट इज एलिफेंट बॉन्ड्स, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन एंड क्लैप. योर लिस्ट टू इज टेलीकॉम फैसिलिटीज इन रिमोट हिली एंड ट्राइबल एरियाज, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2019, कर्ब ब्लैक मनी एंड वेब बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर आवर क्रेडिट लिंक सब्सिडी. अब जो आपकी ये ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दिस इज समथिंग गिवन बाय योर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2019. कीप आंसरिंग इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा. एलिफेंट बॉन्ड्स जो होते हैं आपके, वो एक सॉवरन बॉन्ड्स हैं. वो ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका जो पैसा है वो कहीं ओवरसीज ट्रैप्ड है, दैट इज ब्लैक मनी. उसको वापस घर लेके आने के लिए, ताकि हम उसको इन्वेस्ट कर पाए कहीं और, उसके लिए आपको ये एलिफेंट बॉन्ड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, ताकि वो लोग खरीदें. उसका 50% गवर्नमेंट रख लेगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसको यूज करेगी, और जो बाकी का 50% है दैट वुड बी गिवन टू द पर्सन, ताकि वो अपने डिस्क्लोज करने के लिए उसको एक इंसेंटिव मिले. तो ये ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए है. तो दिस इज पार्ट थ्री. ये एक तरीके से आपकी जो एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं उसके जैसा ही है एलिफेंट बॉन्ड्स. सी पार्ट इज योर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन. अब ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है, ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए है कि टेलीकॉम कंपनीज पे यू विल लिवाए 5% टैक्स, और वो जो 5% आप कलेक्ट करेंगे उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उस पैसे से, जो कि आपके रिमोट एरियाज और हिली एरियाज और ट्राइबल एरियाज है उसमें भी टेलीकॉम सर्विसेज आप लेके जा पाए. सो दिस इज योर पार्ट वन. एंड नेक्स्ट इज योर क्लैप. अब क्लैप एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल है जिसमें आप जो क्रेडिट लिंक सब्सिडीज होती हैं उसको जज करते हैं. सो योर डी पार्ट इज फोर. ये भी अभी न्यूज में था. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज, keep answering in the chat box, let me know what is the correct answer, and from our codes the correct answer is part B. Part B is your correct answer. Question number 5 is from the recommendation given by your recent 15th finance commission. Following are the recommendation of 15th finance commission. Isme se fir aapko correct code choose karna hai from your options. First is your increasing the share of states from 41% to 42% from the central pool, tax pool. Second part is enhanced the deduction to the local bodies compared to your 14th finance commission. Next is only states should reveal their off budget borrowings. तो एक बार 15 फाइनेंस कमीशन को और फाइनेंस कमीशन को ही डिस्कस कर लेते हैं. फाइनेंस कमीशन आपकी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसका मेंशन आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है. वो रिकमेंड करती है कि हाउ शुड यू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन योर स्टेट्स एंड योर सेंटर और अमंग द स्टेट्स. ये वाली रिकमेंडेशन इज समथिंग दैट इज गिवन बाय योर फाइनेंशियल कमीशन. तो अब आपके स्टेट्स और सेंटर में कैसे डिवीजन होगा उसकी परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करनी होगी. तो ये जो है ये आपके एक रिकमेंडेशन है उसकी, फाइनेंस कमीशन की, कि यू शुड रिड्यूस द शेयर ऑफ स्टेट फ्रॉम 42% टू 41%. 42% से 41% आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपकी न्यूली मेड यूनियन टेरिटरीज है, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, आपको उसको भी कुछ पैसे देने हैं सेंटर को. इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन की एक रिकमेंडेशन है कि आप शेयर को कम कर दीजिए फ्रॉम योर 14th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि आपको अब लद्दाख को भी कुछ पैसे देने होंगे. लद्दाख जैसी और जो यूनियन टेरिटरीज आपने नहीं बनाई है तो इसलिए आप शेयर कम कर दीजिए. नेक्स्ट इज योर री इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर द स्टेट्स. अब जो कैसे आप स्टेट्स को पैसे देंगे, अमंगस्ट द स्टेट आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसकी भी जो रिकमेंडेशन है ये दी है 15th फाइनेंस कमीशन ने, कि आप उसके परफॉर्मेंस बेस्ड दीजिए कि उसकी डेमोग्राफी में क्या परफॉर्मेंस रहती है और टैक्सेशन एफर्ट्स कितने स्टेट्स की तरफ से, उसके हिसाब से आप उनको पैसे ज़्यादा दीजिए, ताकि एक इंसेंटिव बना रहे स्टेट्स के बीच में कि वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव करेंगे और टैक्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक एफर्ट लगाएंगे. उससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा आपकी सारी स्टेट्स के बीच में, और जो भी स्टेट्स अपने एफर्ट्स लगाएगी और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी उसको एक रिवॉर्ड की तरह से मिलेगा हायर परसेंटेज ऑफ द टैक्स पूल. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रेशनलाइज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अब आपके जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो कहीं ज़्यादा
एक्सेसिव फंड्स तो नहीं दे रहे हैं आपको, जो कि एक वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट की तरह तो नहीं हो रहा गवर्नमेंट के लिए, वो उसको भी इस रिकमेंडेशन में मेंशन किया है, जिससे वो ये कह रहा है जो ऑफ बजट बोरिंग है स्टेट्स की भी और सेंटर की दोनों की ही, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, और उसको रिपोर्ट करना चाहिए दोनों को ही, तो ताकि आप रेशनलाइज कर पाओ अपनी स्कीम्स को. नेक्स्ट इज टू एनहांस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लोकल बॉडीज, ताकि ग्रास रूट लेवल्स पर आपके जो फंड्स हैं वो पहुंचे. इसलिए दे आर ट्राइंग टू से कि आपको फंड्स देने चाहिए लोकल बॉडीज को, पंचायत को, और यही 15th फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि ग्रास रूट लेवल पहुंचाने के लिए यू नीड टू गिव देम मोर फंड्स. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब हमें पता चल गया कि इंक्रीज करने के लिए नहीं बोला है शेयर को, डिक्रीज करने के लिए बोला है फ्रॉम 42% टू 41%. सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत हो गया. सेकेंड पार्ट इज योर एनहांस द डिडक्शंस टू लोकल बॉडीज कंपेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन, दिस इज राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओनली स्टेट शुड रिवील देयर ऑफ बजट बोरिंग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपके सेंटर को भी अपनी ऑफ बजट बोरिंग जो है वो डिस्क्लोज करनी है. सो योर करेक्ट आंसर इज, आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स, द करेक्ट आंसर इज सी, ओनली टू इज करेक्ट. तो दिस कंप्लीट्स योर इंडियन इकोनॉमिक का सब्जेक्ट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है. आप जैसे जैसे मुझे बताते रहेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी और वीडियोस भी बना लूंगी, ताकि एग्जाम से पहले आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे. अगर आपको कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं, प्लीज आप मुझसे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए कीजिए, ताकि मैं आपके वो भी डाउट्स वहां से सॉल्व कर पाऊँ. एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, मैं जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक दिस एग्जाम. थैंक यू.